तो हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह। आप सबका स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एडुकेटिस में, जहां पे आपको फ्री ऑफ कंटेंट मिलता है। सो गाइस, हमारा मेन मोटिव है कि जितने लोग देख रहे हैं हमारी, उनको फ्री ऑफ एजुकेशन मिले। ठीक है, जितना मुझे आता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने उसके हिसाब से आपको 10th और 11th की वीडियोस मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ। ठीक है, तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी। ठीक है, अगर आ रही है तो कमेंट करके जल्दी बताइए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन पर ना भूलिए, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, तो चलो, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 10th के लिए तो मैंने वीडियोस रेडी कर रखी हैं, लेकिन 11th के लिए भी मैं कुछ लाने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, फॉर इंडिया मैं आपके लिए हैंड रिटन नोट्स लेके आया हूँ। जी हाँ गाइस, इंडियाज़ फर्स्ट हैंड रिटन नोट्स। जी हाँ गाइस, शायद ही आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शायद ही आपको यूट्यूब पे या कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे फ्री में आपको इस तरीके के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल रहे हों। जी हाँ गाइस, मैं ऐसे बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, शायद ही आपको इस तरीके के नोट्स मिले, वो भी फ्री में। ठीक है, और वो भी हैंड रिटन नोट्स हों। ठीक है, तो मैंने ऐसा नहीं, ये नोट्स ऐसे नहीं है मैंने एक साइट खोली वहाँ से मैंने इसमें कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, कॉपी पेस्ट तो कर ही नहीं सकता कि मैंने साइट खोली और पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैंने एनसीईआरटी पे मेन फोकस किया है, रिफ्रेशर्स पे फोकस किया, और फिर मैंने जो साइट्स हैं, ठीक है, वहाँ से मैंने बेस्ट ऑफ द जितना बेस्ट मैंने अपना एफर्ट निकाला है। ठीक है, मैंने अपना बेस्ट दिया है और फिर आपको बेस्ट से बेस्ट नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिख रहा होगा। ठीक है, एक मिनट फिल एंड साइन, ओके, क्लोज व्यू, डिस्प्ले मोड एंड बैक, होम, टूल्स, फिल एंड साइन, ओके, क्लोज एंड रीड मोड। हाँ तो गाइस, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए फिजिक्स का व्हाट इज फिजिक्स। ठीक है, यहाँ पहला चैप्टर मैंने आपको दे दिया, ये आपके बुक्स हैं। ठीक है, HCV और अरियन की बुक्स आप ले सकते हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया है कि फिजिक्स कहाँ से आई, फिजिक्स कैसे बॉर्न हुई, फिजिक्स का क्या डेफिनेशन है, फिजिक्स का स्कोप क्या है, या जब फिजिक्स आई थी तो उसका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था। ठीक है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या था, और जो ऑब्जर्वेशन था उसका रीज़न क्या था। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे ला के दे दी हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो मैंने आपके लिए छोड़ दी हो। ठीक है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। फिर सेकेंड चीज़ जो थी वो थी फायर, जो कि मेजर डिस्कवरी थी एक ह्यूमन की। ठीक है, फिर उसके बाद आती है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की मीनिंग क्या होती है। ठीक है, किस तरीके से वो हेल्प करती है हमें। ठीक है, फिर फिजिक्स के डोमेन्स हैं। फिर पहले तो हम ये जान लेते हैं फिजिक्स कितने टाइप्स की होती है। फिजिक्स दो टाइप्स की हैं, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक, जिनके 3-3 डोमेन हैं ईच। ठीक है, 3-3 डोमेन तो है, फिर उनके जो माइक्रोस्कोपिक, फिर उनकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन तो है लेकिन वो डिस्क्राइब क्या करते हैं, कहाँ पे काम आते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में ला के रख दी हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आपको ये देखिए, थर्मोडायनेमिक्स हो गई, ऑप्टिक्स हो गए, ठीक है, ये 3 डोमेन हो गए आपके। फिर माइक्रोस्कोपिक के आपके 3 डोमेन हो गए, यहाँ पे क्वांटम हो गया, स्टैटिकल हो गया, एटॉमिक फिजिक्स हो गया। उसके बाद मैंने फोर्स के बारे में बताया है। ठीक है, फोर्स कौन सी होती हैं, किस तरीके की होती हैं। ठीक है, फंडामेंटल फोर्सेस कौन सी होती हैं, किस तरीके की होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, और फिर जितने टाइप्स की होती हैं उसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी होती है, वीकेस्ट कौन सी होती है। ठीक है, हाँ पापा, स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी होती है, वीकेस्ट कौन सी होती है, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे रख के रख दी हैं। ठीक है, नोट्स की जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जाके डाउनलोड ना करो, पहले देख लो, वीडियो समझ लो, ठीक है, क्या है उसके बाद जाना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नेचर लिखे हैं, लॉस क्या होते हैं। ठीक है, फिजिक्स में कंजर्वेशन लॉस क्या होते हैं, कौन से कितने टाइप्स की कंजर्वेशन लॉस होते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स के यहाँ पे कंजर्वेशन लॉस हैं। फिर जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, एंशियंट से मॉडर्न में क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, और फिर जो चेंजेस आए हैं वो किसने लाए हैं, कैसे किए हैं, कौन कौन से लॉ लगे हैं। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे रख दी हैं। और फिर कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया है फिजिक्स के बारे में, हम लोग को क्या क्या दिया है, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे ला के दे दी हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, थोड़ी एनर्जेटिक वीडियो मैंने बना दी है। ठीक है, जैसे आपको एकदम एनर्जी आ जाए। ठीक है, नोट्स आप पढ़ते एकदम फ्रेश माइंड हो जाए। ठीक है, तो बस आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज द केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 नोट्स। ठीक है, तो तब तक के लिए जय भारत, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।